Hello YouTube, I'm Ajitesh and you are watching my new YouTube channel Diamond Rider SJ. Today I'm going to tell you how to mount your action camera in your helmet. Chin mount kaise karna hai? Kyunki ye thoda curvy hai aur yahan par chin mount kaise aap kar sakte ho? Ye mera steel bar tayar hai aur aaj main wohi dikhaunga aapko. Kaise aap chin mount is pe kar sakte ho? चलो दिखाते हैं आपको. इसमें आपको ये कर्वी माउंट मिलता है, पर क्या है ना, ये कर्व है पर ये ज़्यादा कर्व है, तो आप जब भी इस पर माउंट करोगे ना तो साइड में थोड़ा सा गैप आया दिखा जाता है. तो इस गैप फिल करने के लिए थोड़ा सा 2 mm का क्या कहते इसको टेप डालना पड़ता है, पर वो उतना अच्छा नहीं होता है. तो आप कैसे इसमें सब कुछ कर सकते हो वो दिखाऊंगा आपको. ये माउंट करने के लिए 2-3 चीज चाहिए जो मैं भूल गया था बोलने के लिए. एक तो ये सेलो टेप चाहिए, ये आपको मिल जाएगा किसी भी पेपर शॉप में मिल जाएगा, बुक स्टॉल में मिल जाएगा, 40 रुपए के करीब लेगा ये, क्योंकि इससे आप हेलमेट के ऊपर रैप करना होगा इसे. एक ये, दूसरा ये बॉन्ड सेट, ये बॉन्ड सेट चाहिए आपको. एक पुट्टी है जो प्लास्टिक की ऊपर चिपकने के लिए, प्लास्टिक टूट जाता है तो यूज होता है, ये आप 10 रुपये में मिलेगा आपको. और ये आपको मिल जाएगा किसी भी स्पेयर पार्ट्स की दुकान में या तो हार्डवेयर की दुकान में. तो ये दो चीज़ चाहिए और उसके ऊपर माउंट चाहिए और हेलमेट तो चाहिए चाहिए. तो देखो मैं ये कैसे करता हूँ, देख लो आप. स्टेप को सुख तरीके से हेलमेट के ऊपर लगा लें ताकि जब पुट्टी लगाए तो हेलमेट के ऊपर कोई नुकसान ना हो, कोई स्क्रैचेस ना आए. अभी ये चिन माउंट के ऊपर फिर एक तरीके से स्टेप को लगा लें. पहले कोई पुट्टी जब लगाए तो उसके ऊपर उसका वो चिपक न जाए, तो ये काम किस तरीके से करना होगा. अभी इस बॉन्ड सेट को ठीक तरीके से दोनों को मिक्स करना है और अच्छी तरह से मिक्स करो ताकि दोनों चीज़ आपस में मिक्स हो जाए. और मिक्स करने के बाद इसको हेलमेट के ऊपर चिपकाना. ये बॉन्ड टाइट हमें दोनों मिलाकर साइड से काट देना ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो. तो अभी इसको आप ऐसे लगा के रखोगे, 5-6 घंटे लगा के रखो और फिर अच्छा है अगर एक दिन लगा के रखो, आज रात तक लगा के रखो, कल सुबह इसको उतार लो, फिर दिखाता हूँ कैसा क्या होता है. ये हो गया कम माउंट.
सो गाइस ये वो पुट्टी है, सोखने के बाद ऐसा हो गया। तो इसके ऊपर इसको चिपकाएंगे और फिर इसको यहाँ पर और ये डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वही करने का है, कैसा करते हैं दिखाते हैं आपको। तो अभी ये लग चुका है, देखो ये पूरा सॉलिड लगा है, सॉलिड, ठीक है। अभी जो उठाते नहीं है, टूटी है, अभी इसकी बारी है फाइनल टच की। तो ये लग चुका है और हम लगाते हैं अभी। चलो स्क्रू काम है, हो गया। इसको हम यहाँ पे चलो ये पूरा सेट हो चुका है।